सिरमौर जिला के नैना टक्कर के सीमावर्ती गांव देव कोठड़ी की रहने वाली नेहा शर्मा पत्नी राजकिशन शर्मा को तड़के प्रसव की पीड़ा हुई, जिसके बाद उसे सोलन अस्पताल लाया गया। इसके बाद डॉक्टर की देखरेख में महिला का नॉर्मल डिलीवरी करवाई गई। महिला ने एक के बाद एक करके तीन नवजात शिशुओं को जन्म दिया। इसे देखकर डॉक्टर व नर्स व प्रसव कक्ष में मौजूद अन्य लोग दंग रह गए। अस्पताल में एक साथ महिला द्वारा तीन बच्चों को जन्म देना शहर में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। वहीं वैज्ञानिक तकनीक के अल्ट्रासाउंड में इस महिला के दो बच्चे एक साथ होने की बात कही गई थी, लेकिन आज उस महिला ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म देकर ये साबित कर दिया कि भगवान की कुदरत के आगे सब बौने हैं। बच्चों के परिजनों ने बताया कि उन्हें खुशी है कि उनके घर में एक साथ तीन तीन मेहमान आए हैं और उसमें दो कन्याएं भी हैं। उन्होंने इसे कुदरत का करिश्मा बताया। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व चिकित्सकों ने अल्ट्रासाउंड देखकर दो बच्चों की बात कही थी, लेकिन तीन बच्चे एक साथ हुए तो वे कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं। हमें बहुत अति खुशी है कि लोग जो हैं वो बच्चों के लिए तरसते हैं, और हमारे पास पहले भी एक बेटा है और आज जो है हमारे को जो डॉक्टरों ने जो बताया था वो बताया थे दो बच्चे, लेकिन दो की जगह तीन। हाँ, ये जो है कि अल्ट्रासाउंड जब किया था उसमें दो बताया था, तो दो की जगह तीन। अभी तो ऊपर वालों का करिश्मा है कि क्या हो गया। और हमें खुशी है बच्चों की भी, हमारे चार बच्चे हैं, दो लड़के और दो लड़कियां। लड़कियों की भी खुशी है और लड़के की भी। हम सबको बराबर रखना चाहते हैं, हमको यही खुशी है। क्या चमत्कार मान रहे हैं आप? तो भगवान की कृपा से ही हुआ जो कुछ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट चिकित्सक विपिन इस बारे में बताते हैं कि उनके अस्पताल में तीन बच्चे एक साथ हुए। उन्होंने बताया कि सभी बच्चे ठीक हैं, बच्चों में कोई कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब इसे कुदरत का करिश्मा मानने से मना कर रहे हैं। यहाँ पर आज ट्रिपलेट है, तीनों के वेट अच्छे हैं, 1.5 से ऊपर है, एक 1.7, एक 1.9, एक 2 के आसपास है, और तीनों बच्चे स्टेबल है। रीजन तो ये हो सकता है या ओवुलेशन वो हुआ है या आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसके डिवीजन हुए उसके बाद ही ट्रिपलेट हुए। नहीं, साइज तो बच्चे तो तीन ही हुए होंगे ना, पहले तीन ही थे तभी बात तीन है, या अल्ट्रासाउंड में या तो उस टाइम कुछ रहा होगा। अभी ये तो वही बता सकते क्या।